यूपी कॉलेज के प्रशासन की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाल रखे छात्रों को पुलिस ने रोका। लगातार 12वें दिन धरना पर बैठे छात्रों ने प्रबंधक समिति के खिलाफ प्रतीकात्मक अर्थी निकाली। लगातार 12 दिन धरना पर बैठने के बाद जब छात्रों का हाल जानने किसी भी कॉलेज के ना पहुंचने के बाद छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ अर्थी निकाली। वाराणसी के शास्त्री घाट तक शव यात्रा लेकर जाते समय प्रशासन के द्वारा छात्रों से प्रतीकात्मक शव यात्रा को लेकर अर्थी को छीने जाने के बाद छात्रों व जिला प्रशासन के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली। छात्रों ने कहा कि यह धरना व प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगों को पूरी तरह मान ना लिया जाए। तब किस तरह का आज छात्रों की मांग थी और क्या कुछ आज के क्रम में घटना के क्रम में हुआ? छात्रों की मांग यही थी कि जो सचिव हैं उनकी प्रॉपर नियुक्ति की जाए, तो उसके बारे में हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब से बात करी और प्रिंसिपल साहब के द्वारा मेरे समक्ष ही अध्यक्ष महोदय जी से बात की गई। अध्यक्ष महोदय जी ने लिखित में हम लोगों को ये आश्वासन दिया है कि एक माह के अंदर प्रॉपर नियुक्ति कर ली जाएगी, यही मांग छात्रों की थी। दूसरी मांग इन लोग की हॉस्टल को लेकर है, तो हॉस्टल के लिए भी प्रिंसिपल साहब ने आश्वस्त किया है कि कोई जेन्युइन कैंडिडेट जिसका पेपर होगा और वो अगर एप्लीकेशन देता है तो उसको हॉस्टल उपलब्ध करा दिया जाएगा जिला प्रशासन की अनुमति लेकर। छात्र माने शव यात्रा निकालने को तैयार थे, अभी पुलिस से नोकझोंक भी हुई है। छात्रों से भी बात की जाएगी और उन लोगों को पूरा ये इस चीज से अवगत भी कराया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि धरना खत्म हो। बीए बीएससी बीकॉम हेतु प्रवेश प्रारंभ अल इब्राहिम महाविद्यालय अमरपुर रक्सा झांसी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9453907214।